हे गाइस, कैसे हो? आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बहुत दिनों से आप लोग कमेंट कर रहे थे कि कथा के बैकग्राउंड में कैसे भी कोई भी गाना प्ले करें या किसी भी बैकग्राउंड में कैसे म्यूजिक बजाएं, बैकग्राउंड म्यूजिक बजाएं या कथा या भागवत या किसी भी लाइव प्रोग्राम में बैकग्राउंड कैसे दें। किसी भी गाना चल रहा है, कोई भी सॉन्ग चल रहा है या कोई भी भजन चल रहा है, उस भजन के बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे प्ले करें, आज उसी पर हम वीडियो लेकर आए हैं। आप सभी से विशेष निवेदन है कि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो और ऐसे ही हारमोनियम कीबोर्ड आप सीख सकें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी गाने के बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे प्ले करें, किसी भी भजन या गाने के बीच में बैकग्राउंड म्यूजिक कैसे प्ले करें, तो कैसे होता है। तो पहले शुरुआत में जो बिगनर लोग हैं उन लोगों के लिए आज की वीडियो बनाई है कि जो आप सॉन्ग बजा रहे हैं, जैसे थोड़ा पहले देख लें, जैसे सॉन्ग चल रहा है आपके सी चरणों में, भजन चल रहा है आपके सी चरणों में उम्र कट जाए सारी। तो पहले थोड़ा बजा कर देख लेते हैं कैसे इस चीज को आपको कीबोर्ड और हाथ जो आपका हैंड है उस पर बैठाना है कैसे। आपने देखा कि अभी मैंने ये भजन बजाया, इस भजन के अब बैकग्राउंड में आपको कोई भी म्यूजिक प्ले करना है। अभी ये भजन बजाया मैंने, दोबारा भी बता दूं आप लोगों को कि अभी मैंने ये भजन प्ले किया और इस भजन के बैकग्राउंड में आपको कोई भी म्यूजिक प्ले करना है। तो आप किसी भी सॉन्ग को, जो इस ताल में सॉन्ग है, इसी स्केल से उस सॉन्ग को भी प्ले कर सकते हैं या कोई अपना म्यूजिक दे सकते हैं, इन्हीं सुरों के ऊपर बजाना है सिर्फ आपको। कैसे? अब जैसे मैंने कुछ बजाया, अब देखना आप लोग कि कैसे मैं इसी गाने के बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करता हूं। ये चीज मैंने अभी प्ले की, आप लोगों ने देखा एक बार, और आप लोग देख लें कि ये चीज किस प्रकार से बजेगी। जैसे गाना चल रहा है कि भजन चल रहा है कि आपके सी चरणों में उम्र कट जाए सारी, तो मैंने थोड़ा सा गैप दिया उसमें, वो गैप नहीं चाहिए। जैसे सॉन्ग बज रहा है उसी रिदम में प्ले होना है, जैसे ये मेरी रिदम चल रही है। देखा, और आप लोगों के उदाहरण के लिए मैं आप लोगों के उदाहरण के लिए एक और इसी में फीस लगाता हूं। जैसे ये सॉन्ग चल रहा है, तो ये लगा सकते हैं कैसे। अभी आप लोगों को बताया एक कैसे बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले करें। पहले आप जो बिगनर लोग हैं, पहले इसी प्रकार से आप लोगों को म्यूजिक प्ले करना पड़ेगा कैसे।
कि जैसे तीसरी काली से, तीसरी काली से हम लोगों ने कोई भी सॉन्ग बजाया, तो अभी मैं जिस चीज का उदाहरण दे रहा था वही सॉन्ग, जैसे ये तीसरी काली से बज रहा है, ये सॉन्ग मैंने बजाया, इसी पर मैंने जस्ट इसी के बाद जो सिंगर ने जैसे गा के छोड़ दिया, इसी के जस्ट बाद मैं ये म्यूजिक प्ले कर दूंगा। फिर जस्ट इसी के बाद वो, जस्ट इसी के बाद वो सॉन्ग लग जाएगा। और ये एक अंतरे में हो गया, अगला अंतरा जैसे सिंगर ने गाया, जब बीच आपके सी चरणों में उम्र कट जाए सारी, तो इसमें और कुछ लगा सकते हैं वेरिफिकेशन, और कुछ लगा सकते हैं कैसे, ऐसे लगा सकते हैं, या ये भी लगा सकते हैं, आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी और आप देख रहे होंगे। अब एक चीज और आप लोगों को बता दूं कि मैं कि जो मैंने अभी बजाया वो आप एक बार देख लें कि कैसे बजेगा, किस प्रकार बजेगा, जो क्या है कि हमारे चैनल पे बिगिनर लोग भी बहुत से जुड़ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर भी जुड़ रहे हैं, तो ये कैसे बजा देख लें, आप एक फिंगर से देख लें। जैसे मैंने वैसे तो ये वीडियो इस टॉपिक पर बजाई थी कि कथा के बैकग्राउंड में कैसे म्यूजिक प्ले करें, कहां से करें म्यूजिक, किसी भी कहां से गाना बजता है, कहां से म्यूजिक प्ले करें इस चीज पर। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं कि और अच्छे से मैं आप लोगों को समझा सकूं, इस पर और भी वीडियो डाल सकूं इस टॉपिक पर, तो एक बार देख लें। आपके सी चरणों में उम्र कट जाए सारी, और सलोली देख लें। आपके सी चरणों में उम्र कट जाए सारी, युगल छवि देखूं प्यारी, युगल छवि श्यामा प्यारी, आपके सी चरणों में उम्र कट जाए सारी। फिर यहां से बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, जैसे ये भी देख लें आप किस प्रकार बज रहा है, यहां से इस पर रुकना है, इसका कण देना है थोड़ा, फिर एक बार और, अब इस पर रुकना है, इसका कण देना है। ठीक है,